इमरान खान की मोहब्बत पाकिस्तान लाहौर जमान पार्क से निकलकर अमेरिका व्हाइट हाउस के सामने पहुंच गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने व्हाइट हाउस के सामने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने व्हाइट हाउस के सामने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ यकजहती के लिए मुजाहरा किया, और वो भी ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में पूरे मुल्क में पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुजाहरे के दौरान नारे लगाए गए कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान के नारों से व्हाइट हाउस की फिजा भी गूंज उठी। कसीर तादाद में मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर जो बाइडन से कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, लिहाजा इंसानी हकूक की बहाली और जमहूरियत की बहाली के लिए अमरीकी सदर को फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुजाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत सहाफियों और शहरियों का कत्लेआम कर रही है, अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। आलमी बरादरी को सामने आना चाहिए और पाकिस्तान में सबसे पहले इंसानी हकूक के तहफ्फुज के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तौर पर आम इंतखाबात करवा कर हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के सपुर्द करे। दूसरी जानिब अमरीका के शहर ह्यूस्टन में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती और पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूके यानी लंदन में तो इस वक्त नवाज शरीफ के घर के बाहर पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हो गई। इनके पास पीटीआई के झंडे भी मौजूद थे और बड़े लाउडस्पीकर पर नारे भी लगते रहे, मरियम के पापा चोर मरियम के पापा चोर के ये बुलंद शगाफ नारे आवाम भी सुनते रहे और वहां मौजूद अंग्रेज भी इन नारों से महजूज होते रहे।